نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها وقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من أحد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين صدق الله العظيم اولم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها क्या ये बात रहनुमाई के लिए काफी नहीं थी उन लोगों के लिए कि जो जमीन के वारिस हुए उसके पहले मालिकों के बाद कौम आद तबाह हुई कौम नूह तबाह हुई तो अल्लाह ताला ने जमीन में विरासत अता की कौम आद को, कौम आद तबाह हुई तो फिर उसकी जगह पर तहजीब और तमद्दुन कौम समूद का उभरा। तो क्या इन लोगों को अपने साबिका जो भी हालात और वाकयात थे उनसे सबक हासिल नहीं हुआ था? अल्लाह नशा और सबलाह बजरूब हूं कि अगर हम चाहें तो उन्हें भी उनके गुनाहों की पादाश में हम पकड़ लें। व नकमा वाला कुरूब हूं फमलास्मरूर और उनकी बदकारियों और सियाहकारियों की पादाश में उनके दिलों पर मोहर लगा दें कि फिर वो सुन ही ना पाए। तिलकर कुरान कुछ कभी नंबाए हा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो बस्तियां हैं, ये वो इलाके हैं, ये वो तहजीब और तमद्दुन के गहवारे रहे हैं जिनकी खबरें हम आपको सुना रहे हैं। वलकद जातहुम रुसुलुहुम बिलबैनात, उनके पास उनके रसूल आ गए थे वाज़ेह तालीमात लेकर। फमा कानू लयूमिनू बिमा कज़्ज़बू मिन क़ब्ल, लेकिन ये कि फिर वो ईमान लाने वाले न बने उस चीज पर जिसका कि उन्होंने इनकार कर दिया था, यानी हर धर्मी पर, जिद पर, तासुब पर इस तरीके से रासिख हो गए कि फिर उनके नबियों ने, उनके रसूलों ने, खाओं ने कितना ही समझाया और कितना ही इफाम व तफहीम से काम लिया, वो बात नहीं आए। कज़ालिक यतबउल्लाहु अला कुलूबिल काफिरीन, इसी तरह अल्लाह ताला मोहर कर दिया करता है काफिरों के दिलों पर। यह बात तो हो रही है हुजूर से साबिका कौमों के बारे में, असल में रूए सखुन किसकी तरफ है? कुरैश मक्का की तरफ, कि देखो तुम्हें भी हमारे नबी, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देते हुए 12 बरस बीत चुके हैं, हर तरीके से तुम्हारे सामने हिदायत को वाज़ह किया जा चुका है, लेकिन जो तुम में से लोग अड़ गए थे वो अड़े हुए हैं, और उस तरीके से अड़े हुए हैं कि कोई दलील, कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं। वमा वजदना लिअक्सरिहिम मिन अहद, हमने इनमें से अक्सर के यहां अहद की पाबंदी नहीं पाई। वो अहद जो उन्होंने किया था इसी सूरत में आएगा, लस्तु बिरब्बिकुम कालू बला। वही वजदना अक्सर हम लफासकीन, हमने पाया उनकी अक्सरियत को फुसाक और फुज्जार और बदकारों पर मुश्तमिल। सुम्म बासना मिन बादहिम, अब तक जो जिक्र हुआ हजरत नूह अलैहिस्सलाम का, हजरत हूद का, हजरत सालेह का, हजरत लूत का, हजरत शुएब का, अब इनका पांच के बाद अब बहुत मुफस्सल गुफ्तगू यहां हो रही है। ये तो यूं समझिए कि चार रुकू में पांच अंबिया किराम के पांच रसूल एजाम जो हैं उनका तस्करा हो गया बड़ा इख्तिसार के साथ। लेकिन अब ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हालात बड़ी तफसील से आ रहे हैं सूरत में, उसकी वजह क्या है? जैसा कि मैंने अर्ज किया, ये हिजरत से मुतसिल कबल नाजिल हो रही है सूरतें, सूरह अनआम भी और सूरह आराफ भी। अब हिजरत पेश आने वाली है और मदीने में पहुंचकर यहूदियों से बराह रास्त साबका पेश आने वाला है। मदीने में दो कबीले थे कि जो असल अरब कबीले थे जो यमन से आकर आबाद हुए थे, औस और खजरज, लेकिन तीन कबीले यहूद के थे और बड़े ताकतवर थे, उनके अपने किले थे, गढ़ियां थी, बड़े पेशावर लोग थे, और फिर यह कि उनके यहां इल्म था, उनके यहां तहजीब थी, तमद्दुन था, उनके उलमा थे, उनके फुकहा थे, उनके यहां मजहबी अदालतें थी, तो बड़ा रोग था अरबों के ऊपर यहूदियों का कि ये कल्चर्ड लोग हैं, ये मुतमद्दिन लोग हैं, इनकी एक तहजीब है, इनके पास एक कानून है, एक जाब्ता है। अब उनसे जो साबका पेश आने वाला था तो उसके लिए मुसलमानों को जहनन तैयार किया जा रहा है, उनकी वो तारीख को पूरी समझा कर कि ये किन किन अदवार से गुजर चुके हैं, अब कहां खड़े। सुम्मा बासना मिन बादिहिम, फिर इनके बाद हमने उठाया या भेजा मूसा को
बे आयातना अपनी निशानियों के साथ इला फिरौन व मलाएही फिरौन की तरफ और उसके सरदारों की तरफ। फजलमू बिहा तो उन्होंने हमारी उन आयात का इनकार किया, उन पर जुल्म किया, उनकी नाशुक्री की। फंजू कैफकान आकबतुल मुफसदीन तो देख लो फिर कैसा अंजाम हुआ उन मुफसिदों का। ये तो गोया एक जुमले में बात कह दी, अब इसी की शरह है। वकार मूसा या फिरौन और कहा था मूसा ने ए फिरौन इन्नी रसूल मिन रब्बिल आलमीन मैं पैगंबर हूं रसूल हूं तमाम जहानों के परवरदिगार की जानिब से। हकीकुन अला अल्लाह अकूल अला अल्लाह इल्ला हक मैं इस पर कायम हूं और इसी का सदावार हूं कि मैं अल्लाह पर कोई शय हक के सिवा उसके उसको मंसूब न करूं, यानी यह ना समझना कि मैं अपनी तरफ से घर कर कोई बात तुमसे कह दूंगा। कब ये तो कुम में बल्ले न तुम रबे को और देखो मैं खाली हाथ नहीं आया हूं, मैं तुम्हारे रब की तरफ से वाजे निशानियां लेकर आया हूं। फारसिन माया बनी इसराइल तो मेरा पहला मुतालबा तुझसे यह है कि बनी इसराइल को अब यहां से हमें जाने दें, हम उनको साथ लेकर यहां से निकल जाए। इसलिए कि बनी इसराइल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में वहां आकर आबाद हो गए थे, कई सौ बरस तो इनके लिए वहां बड़े आराम रहे ऐश रहे। उस वक्त जो हिक्सॉस किंग्स थे जो मिस्र में हुक्मरान थे वो असल मिस्री नहीं थे बल्कि वो बाहर ही से जाकर अरब ही के इलाके से जाकर वहां पर हुकूमत कर रहे थे। तो ये लोग जो आए उनकी वहां आवभगत हुई और बिल्कुल जैसे कि पीरजादे होते और उनके तरीके से इनका एहतराम किया गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का उस वक्त का बादशाह जो है बहुत मोतकिब भी हो गया था, तो उनके खानदान उनके भाई बन थे ये। लेकिन उसके बाद वहां एक इंकलाब आया, नेशनलिस्ट रेवोल्यूशन, कि उन्होंने हिक्सॉस किंग्स को निकाल बाहर किया वहां से और फिर जो है जो लोकल जो कुब्ती कौम थी उनकी अपनी हुकूमत कायम हो गई। अब जाहिर बात है साबिका लोगों के जो मंजूर नजर थे वो अब इनके लिए गोया कि इनके दुश्मन हुए और इनके लिए अब खुशामत आ गई। फिर इनको गुलाम बनाया गया, जकड़ा गया, इनसे सख्त जो है मजदूरियां ली गई। अहराम मिस्र की तामीर के अंदर एक एक चटान गिरती थी, सैकड़ों यहूदी उसके नीचे जो है पिसकर रह जाते थे। ये एक बड़े ही शरीर मसाइब में थे और उस हाल से अब उनको निजात दिलाने के लिए अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मबूस किया। तो हजरत मूसा की दो बेसतें थी, एक बेसत इला फिरौन, उसे भी ईमान लाने की दावत दी गई है। आखिरी पारे में जो है सूरत नाज़ियात में तो खुलकर बयान किया गया है, हल का इला तदक्का वाहदिया का इला रब का फतक्षा फाराहुल आयत कुबरा, तो उसे ईमान की दावत भी दी गई थी। लेकिन अव्वल रोज ही से उसके सामने दूसरा मुतालबा यह भी था कि बनी इसराइल को अब यहां से जाने दो ताकि ये अपने मुल्क में जहां से आए थे फिलिस्तीन से वहीं जाकर आबाद हो जाए। फारसिन मैया बनी इसराइल कारा इनकुन का ये तब आयो तुम फातिम यहा, फिरौन ने कहा कि अगर वाकई तुम कोई निशानी लेकर आए हो दावा कर रहे हो तो लाओ दिखाओ अगर वो कौन सी निशानी है। इनकुन का मैंने सादिकीन अगर तुम सच्चे हो। अगला ये नोट कर लीजिए वरना ये बातें समझ में नहीं आएंगी कि ये जो फिरौन था ये कौन था। इस वक्त हजरत मूसा ये वाकयात आएंगे सूरह कसस वगैरह में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइली थे लेकिन उस जमाने में फिरौन का एक हुक्म था, ऑर्डिनेंस नाफिस था कि बनी इसराइल में जो बच्चा भी पैदा हो कत्ल कर दिया जाए। उसे कोई नजूबियों ने बता दिया था कि एक बच्चा पैदा होने वाला है बनी इसराइल में जो तुम्हारा तख्ता उलट देगा। लिहाजा जो बच्चा पैदा होता था जो कत्लून अबनाहू वस्ताहून निसाहू वो कत्ल कर देते थे। अल्लाह ने उनकी वालदा को वही की कि फिक्र न करो हम बचाएंगे तुम्हारे बच्चे को मूसा को, तुम इसे एक संदूक के अंदर बंद करके दरिया में डाल दो। दरिया नील में उन्होंने डाल दिया तो वो वहां से गुजरता हुआ महल के पास से गुजरा और महल में मलका ने या जो इनके यहां जो है तौरात में जो तफसीर है वो ये है कि जो उस वक्त का फिरौन था उसकी बहन ने उस बच्चे को निकाल लिया और वो लावलत थी, अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी, उसने इस बच्चे को अपना बच्चा बना के पाल लिया। लेकिन ये कि एक रिवायत ये भी है कि ये असल में बीवी ने जो फिरौन की बीवी थी उसी ने निकाला है, वो लावलत थी उस वक्त तक। तो गोया कि अगरचे ये फिरौन जो है कत्ल करने पर तुल गया था इस बच्चे को लेकिन अल्लाह ने इस बच्चे की ऐसी मोहनी सूरत बनाई थी, एक तो उस खूबसूरत शक्ल की बिना पर, दूसरे उस बीवी ने कहा कोरा तो ऐसी बना कि देखो ये मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक रहेगा, हम इसे बेटा बना लेंगे, हमें बेटा अभी तक नहीं मिला है। तो ये बच गए और ये महल में परवरिश पाई इन्होंने शहजादों की तरह। फिर उसके बाद बेटा हो गया फिरौन के भी, अब वो दूसरा जो है छोटा बेटा जो अब जो बेटा हो गया असल बेटा वो गोया के हजरत मूसा के साथ छोटे भाई की हैसियत से रहा। इन दोनों में बड़ी मोहब्बत थी, बहुत कुर्ब था। लेकिन उसके बाद जब सूरत हाल बदली है और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबूवत पर सरफराज हुए हैं, फिर जो कशाकश शुरू हुई है, उस वक्त वो जो बाप था वो एबडिकेट कर चुका था, अपना ये तख्त दे चुका था बुढ़ापे की वजह से इस छोटे फिरौन को। अब ये था वहां पर बादशाह।
गोया कि छोटे भाई की तरह जो रहा था हजरत मूसा अलैहि सलाम के साथ, वो इस वक्त फिरौन था। तो वो अब ये कह रहा है हजरत मूसा से कि अगर तुम लाए हो कोई वाकई तुम कोई तुम्हारे पास निशानी हो तो पेश करो। फालका आसा हो फैजा या सौबान मुबीन, तो उन्होंने अपना जो आसा है जमीन पर डाला तो अचानक वो एक अजदहा की शक्ल इख्तियार कर गया। वह लदा यदा हूं फैजा या बैवाउल नाजरीन, अपना हाथ निकाला अपने गरीबान से तो सफेद रोशन चमकदार हो गया देखने वालों के लिए। कालन बला उमिन कौम फिरौन इंदा आजा लसायर अलीम, फिरौन के सरदारों ने दरबारियों ने कहा कि वाकई ये जो मूसा है ये कोई बहुत बड़ा जादूगर बनकर आया है, बहुत सीख कर आया है जादू। युरीद व युखरिजकुम मिन अर्ज़िकुम, और ये चाहता है कि इस जादू के बल पर ये तुम्हें तुम्हारी सरजमीन से बेदखल कर दे, तुम्हें निकाल दे। फमाजा तामरून, तो अब जो मसला सामने आ गया है फिर क्या मशवरा है, क्या राय है, क्या हुक्म देते हो, क्या करना चाहिए। कालू अर्जे वाका हो, तो उन्होंने ये कहा एक रेजोल्यूशन समझिए के पास हो गया दरबार में कि जरा इसको भी मोहलत दीजिए और इसके भाई को भी, यानी हजरत हारून भी साथ थी। वह अरसिन फिर मदाई ने हाशरीन, और तमाम जो ममलकत मिस्र है उसके शहरों के अंदर मुनादी करने वाले भेज दीजिए। या तू का बिकुल साहिद अलीम, कि तमाम ममलकत से जितने भी बड़े बड़े जादूगर हैं बहुत माहिर जादूगर उनको वो बुला के ले आए। वजा सहर तो फिर आउन, अब वो जब जादूगर आ गए जाहिर बात है कि ये टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वाली बात है, एक एक जुमले के अंदर इसमें जो फसल है वाकयात के दरमियान जो वक्फा है उसे आप खुद समझते जाए। बजा शहर तो फिर आओ, वो जादूगर आ गए फिरौन की खिदमत में। कालू इन लाजरन इनकुल्ला नहरू गालिबीन, उन्होंने कहा कि देखिए हमें अगर हम गालिब आ जाए इस पे मूसा पर तो फिर हमें कुछ अजर मिलेगा ना, आखिर कोई हमें कोई इनाम मिलेगा, कोई खलाकों से नवाजे जाएंगे कि नहीं। काला नाम वाइन नकुम लबिल मुकर्रबीन, उसने कहा क्यों नहीं, तुम तो हमारे मुकर्रबीन बारगाह हो जाओगे, हमारी ये बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी इसने आकर, अगर इससे हमें निजात दिला दो, इसको शिकस्त दे दो तो तुम तो हमारे मोहसिन हो गए। कालू या मूसा इम्मा अंतुल किया व इम्मा नकुला नहनु मुल्कीन, उन्होंने कहा कि अब देखो मूसा पहले तुम डालोगे या ये कि हम पहले डालें। काला अल्कू, हजरत मूसा ने फरमाया डालो तुम जो कुछ डालना है। फलम्मा अल्काउ सहरू आयुनन्नास, तो जब उन्होंने भी अपनी छड़ियां और कुछ रस्सियां लेकर आए थे वो डाली, उन्होंने लोगों की आंखों पर जादू कर दिया। अब ये जिसे हम कहते हैं सेहरबंदी कर देना, आंखों की नजरबंदी हो जाना। सहरू आयुनन्नास वस्तरहबूहुम, और उन्हें डरा दिया, खौफजदा कर दिया। वजाऊ बिसहर अजीम, और वाकईतन बहुत बड़ा जादू उन्होंने पेश किया। वाओहदा इला मूसा, एक दूसरे मकाम पर तो यह भी आया है कि हजरत मूसा दिल में डरे कि जो मेरे पास मुआवजा था तो वही कुछ इन्होंने करके दिखा दिया, तो तालियां पिट जाएंगी, पूरा जो है ये लोग देख रहे हैं थटके थट जमा है, क्या होगा, तो मैं तो हार जाऊंगा। लेकिन उस वक्त अल्लाह ने फरमाया या मूसा ला तखफ वालते माफी या मेरे, कि मूसा घबराओ नहीं, जो तुम्हारे हाथ में है डाल के देखो तो सही क्या होता है। तो हजरत मूसा ने वाओहदा इला मूसा लगते आसाक, हमने वही की मूसा को कि ए मूसा डालो अपना वो आसा। फैजा ही तल कफू बाजा फिकून, तो वो जो अब सोबान बना, जो अजदहा बना, वो उन तमाम वो जो सांप नजर आ रहे थे रस्सियों के, और वो उसको खड़प कर गया। फवकाल हक, तो हक वाके हो गया, बात वाजी हो गई। वह बतला मा कानू यामलून, और जो कुछ भी उन्होंने वो एक बनाया था भूल, वो सारा बातिल साबित हुआ। फगोले मुंह हुना लेकर अलकलबू सागरी, तो मगलूम हो गए वो जादूगर जो थे और वो जरीर होकर रह गए। वह उल्टी सहरत साजदीन, और जादूगर जो है सजदे में गिर गए, बल्कि यूं कहिए कि गिरा दिए गए, जैसे किसी ने उन्हें पकड़कर सजदे में गिरा दिया। कालू आमन्ना बिरब्ब मूसा व रब्बिल आलमीन, उन्होंने ऐलान किया हम तो ईमान लाते हैं तमाम जहानों के परवरदिगार पर, यानी रब्ब मूसा व हारून, मूसा और हारून के रब पर। काला फिरौन आमन्तुम बिही, अब यहां यह नुक्ता समझ लीजिए, जादूगर जानता था कि जादू की रसाई कहां तक है, और जो कुछ मूसा ने पेश किया ये जादू नहीं है। आम आदमी नहीं समझ सकते थे, आम आदमी तो यही समझा कि मूसा बड़ा जादूगर है, ये छोटे, जो बड़ा जादूगर जो है वो जीत गया और छोटा हार गया बस। लेकिन ये कि जैसे आज भी हमारे साइंटिस्ट जानते हैं ना कि हमारी रसाई कहां तक हो गई है, कहां तक हम पहुंच गए हैं, लेकिन अगर कोई शायद बहुत ही उससे आगे की कोशिश पेश कर दे तो साइंसदानों को मालूम होगा कि यहां तक अभी साइंस की रसाई नहीं है, आम आदमी उसको नहीं जानते। इसी तरह जो है पूरे मजमे पर किसी पर असर नहीं हुआ, जादूगर जो है वो फौरन सजदे में गिर गए और उन पर हक वाज़े हो गया कि ये जादू नहीं है बल्कि ये वाकईतन कुछ और है। काला फिरौन आमन्तुम नहीं कबला, अब यह था शहनशाह, उन्होंने कहा कि तुम ईमान ले आए उस पर,
इससे कबल के मां बदौलत तुम्हें इजाजत दे दे, यानी हमारी इजाजत के बगैर कैसे तुमने ये इकदाम कर दिया, ईमान का ऐलान कर दिया। और अब उसे चाल सूझी, अभी सूरत हाल को देखिए किस तरह उसने डिप्लोमेटिकली जो है हैंडल किया है। इन हाजा मकरून मकर तुम फिल मदीनते, मालूम होता है ये तुम्हारी साजिश है, तुम और ये मूसा मिले हुए हो आपस में, और ये नूरा किश्ती तुमने यहां पर की थी, और तुम हमारे इख्तलाफ गठजोड़ कर चुके हो, साजिश करके आए हो, और ये सारा तुमने खेल पहले से बना लिया था कि हम हार जाएंगे। इन हाजा ल मकरून मकर तुम फिल मदीनते, ये तुमने शहर के अंदर एक साजिश बनाई है, ये तुखरी मिन्हा अहलहा, ताकि यहां के जो लोग हैं उन्हें यहां से निकाल बाहर करो, फसौ फता लबूद, तो अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम्हारे इस करतूत की तुम्हें क्या सजा मिलती है। लौकत्यान आई दी अकुम अर्जुन अकुम मिन खिलाफिन, मैं तुम्हारे हाथ और पांव मुकाबिल सिमतों से काट दूंगा, यानी दाहिना हाथ काटूंगा तो बायां पांव काट दूंगा, बायां पांव का हाथ काटूंगा तो दाहिना पांव काट दूंगा, सुम्मा लौसल लिबल अकुम अजमईन, फिर तुम सबको मैं सलीब दे दूंगा, सूरी पर चढ़ा दूंगा। कालू इन्ना इला रब्बिना मुनकलिबून, अब यह है ईमान जब वाकईतन किसी को नसीब हो जाए, वो ईमान की हलावत और ईमान की जो भी उस हकीकत को मुंकशिफ होने की कैफियत है, उन्होंने कहा कि हमें कोई परवाह नहीं, तुम जो चाहो करो, हम तो अपने रब की तरफ रुजू कर रहे हैं, उसकी तरफ लौट कर जाना है। वह मा तंतुम मिन्ना इला नामन्ना बे आयात रब्बिना, और तू किस बात का इंतकाम हमसे लेगा सिवाय इसके कि हम ईमान ले आए जबकि हमारे रब की निशानियां हमारे सामने आ गई। हमारा जुर्म यही है और तो कोई जुर्म नहीं है। लम्बा जात ना रब्बना आफरिग अलैना सब्रन, उन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू किया, परवरदिगार हम पर हमें सब्र अता फरमा दे, हम पर सब्र उढ़ेल दे, जैसे पानी मश्क जो पानी का होती थी कभी किसी पर लाकर पूरी की पूरी मश्क डाल दी, ऐसे अल्लाह हम पर उढ़ेल दे सब्र, यानी हमें ढेरों सब्र अता कर कि इस सूरत हाल में हम साबित कदम रहें और ये ईमान की दौलत जो हमें मिली है हम इससे दस्तबरदार ना हो जाए। रब्बना अफरिग अलैना सब्रन व तवफ्फना मुस्लिमीन, और हमें अब इसी इस्लाम ही की हालत में वफात दे। वकालन बलो मिन कौम फिरौन, अब ये फिरौन की कौम के जो सरदार थे दरबारी, उन्होंने कहा फिरौन से, अतज़र मूसा व कौमहु लियुस्दु फिल अर्ज, क्या तुम अब मूसा को और उसकी कौम को छोड़े रखोगे, इसी तरीके से आजादी दिए रखोगे कि वो तुम्हारी जो है कौम को के अंदर फसाद पैदा करे जमीन के अंदर, वह यदर का वह आज का तुम्हें भी छोड़ दे, तुम्हारे माबूदों को भी छोड़ दे, इसलिए कि वो जो जाती मोहब्बत थी इस फिरौन को हजरत मूसा के साथ बड़े भाई की हैसियत से साथ खेले थे, साथ ही हमजोरी रहे थे, उसकी बिना पर वो फौरी तौर पर उनके खिलाफ कोई इकदाम नहीं कर सका। अब वो कौम के सरदार जो है वो कह रहे हैं कि कब तक तुम इन्हें छूट दिया रखोगे, ये तो लोगों के अंदर बगावत फैल रही है और इससे सारा फसाद पैदा हो जाएगा। अतजर मूसा व कौम काला, उसने कहा हम वही काम करेंगे जो इससे पहले हमने किया था, हम इनके बेटों को कत्ल करते जाएंगे और सिर्फ इनकी औरतों को जिंदा रखेंगे, वो हमारी खिदमत गारी में काम आएगी। वरिंदा फौका हूं ताहरून, और हम इन पर पूरी तरह काबू याफ्ता है, ये हमारे काबू से कहां निकल जाएंगे। काल मूसा ने कौम इस्तईनु बिल्लाह वस्बिरू, हजरत मूसा ने अपनी कौम से कहा बनी इसराइल से, अल्लाह से मदद चाहो और सब्र करो, इन लर्दन इल्ला, जमीन अल्लाह की है, यूनिस वहां मन यशाओं में निभा दी, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है दे देता है। अब इस वक्त उसने फिरौन ही को ये जमीन की हुकूमत दी हुई है मिस्र की, तो अब हमारे पास कोई और चाराकार नहीं है कि जो भी तकलीफ और मुसीबत आती है उसे झेले, सब्र के साथ बर्दाश्त करे और साबित कदम रहे। वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, बहरहाल आकिबत जो है पिछला घर जो है आखिरत का घर, वो बहरहाल अहले तकवा के लिए है, वो जो है अबदी जिंदगी है वो तो हमारे लिए है, लेकिन इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला जिसको चाहता है, आयत हम पढ़ चुके हैं सूरह आल इमरान में, वल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंजुल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, यहां तो अल्लाह की मर्जी है, जिसको चाहता है वो देता है। कालू उज़ीना मिन क़ब्ल अन तातियना, उन्होंने कहा देखिए मूसा, इससे पहले कि आप हमारे पास आए, आपकी बेसत से पहले भी हम पर यही ईज़ाएं थी, इसी तरह हमारे बच्चे कत्ल किए गए थे, जिनमें से खुद ये एक बच्चे हुए थे जिस नस्ल में से, वो सारी की सारी नस्ल जो है कत्ल हुई थी। उज़ीना मिन क़ब्ल अन तातियना व मिन बाद मा जीतना, और अब जो आप आए हैं तो फिर भी हमारे लिए यही मुसीबतें और यही तकलीफें और यही ईज़ाएं हैं। काला, कहा हजरत मूसा ने, आसार अब युहलिका अदूवकुम, हो सकता है उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हारे इस दुश्मन को हलाक कर दे, वह यस्तख्लिफकुम फिल अर्ज, और फिर तुम्हें खिलाफत अता करे जमीन की, फयंजरा कई फतामलून, फिर देखे कि तुम क्या करते हो। जिसको भी अल्लाह इख्तियार देता है फिर वो गोया के इम्तहान के उस अब आ खड़ा होता है कि वो करता क्या है, इस इख्तियार का सही इस्तेमाल करता है या गलत है।
وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ, और हमने फिर फिरौन की कौम को पकड़ा, कभी तो वहां कहत पड़ गया, वनक्स मिन समरात, या फसलें तबाह हो गई, लाल्लहुम यज़्ज़क्करून, शायद कि वो होश में आए, नसीहत अखज़ करें। वही कायदा कि जब रसूल भेजते थे तो उस कौम को जो है कुछ सख्तियों में, कुछ छोटे छोटे अजाबों में मुबतला करते थे ताकि जाग जाए, होश में आ जाए। वइज़ा जाअत उम्मुल हसन, जब उन्हें कोई खैर पहुंचता था, अच्छे हालात हो जाते थे, कालू लना हाजिर, वो कहते ये तो खैर है ही हमारा, हमने मेहनत की, हमने इसके लिए पहले से प्लानिंग की थी, लिहाजा ये सूरत हाल दुरुस्त हो गई। वही किस्म हम सैयत, और अगर कोई तकलीफ उनको, कोई बुराई पहुंचती थी, या तैयब बे मूसा व मम माहू, तो वो उससे समझते थे कि ये नहूसत है मूसा की और उसके साथियों की। अला इन्नमा तायरुहुम इंदल्लाह, आगाह हो जाओ कि उनकी किस्मत तो अल्लाह के हाथ में थी, ये नहूसत फलां की और ये फलां की जो है तो बरकत है, ये नहीं, अल्लाह ताला के हाथ में है वो जो कुछ करता है। वलाकिन अक्सर हम ला यालमून, लेकिन उनकी अक्सरियत जो है वाकिफ नहीं है। वकालू महमा ताकिना बिही मिन आयतिन लितसहरा मा बिहा, उन्होंने कहा मूसा जब जब भी तुम हमारे पास लेकर आओगे कोई अपनी ऐसी निशानी कि हम पर जादू कर दो, फमा नहनु लका बिमुमिनीन, लेकिन ये ना समझना कि हम तुम्हारी बात मान लेंगे और तुम पर ईमान ले आएंगे और तुम्हारा मतालबा पूरा कर देंगे और इस कौम बनी इसराइल को यहां से जाने देंगे। फारसल्ला अलैहिम तूफान वल जरादा वल कुम्मला वल वफादिया वल दमा आयातिन मुफस्सलात, तो हमने उन पर भेजा तूफान जो उनके लिए तबाही लाया, टड्डी दल टड्डिए, बल कुम्बला चिचड़ियां, और कुम्बल से खटमल भी मुराद हो सकता है, ये बड़ा करीब का लफ्ज है, खटमल और कुम्बल, चिचड़ियां जो है बड़ी तादाद में चिचड़ियां पैदा हो गई, उनसे जो अमराज पैदा होते हैं। वह दफा गया, मेढक इतने पैदा हो गए, हांडी का ढकना उठाए तो मेढक साफ फटक कर आ रहे हैं, और अगर घड़े में से पानी लेना चाहे तो मेढक फटक कर आ रहा है, तो वो जो उनके लिए जिंदगी अजाब हो गई। वह दमा और खून, पानी पानी जो है वो खून की शक्ल इख्तियार कर गया। आयातुल मुफस्सलात, ये सारी निशानियां थी वक्फे वक्फे से, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। फस्तकबरू व कानू कौमन मुजरिमीन, लेकिन वो अपने इस्तिकबार पर, अपने मुजरिमाना तर्ज अमल पर कायम रहे। वलम्मा वकाले मुरिज, और जब उन पर कोई अजाब वाकई हो गया, कालू या मूसा दुअ लना रब्बका बिमा आहदा इंदक, तो वो कहते थे आके हजरत मूसा से, मूसा दुआ करो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से जो तुम्हें मकाम हासिल है, जो तुम्हें नबूवत से सरफराज किया गया है तुम्हारे कौल के मुताबिक, तो जरा उसे इन्वोक करो, और लाइन कशफ का, अगर ये जो गंदगी है, जो मुसीबत हम पर इस वक्त आई हुई है, अगर ये तुम अपने यहां से हटवा दो, लनो मिनन लका बलू सुनल नमा का बनी इसराइल, यानी आखिरकार जिच होकर वो यहां तक पहुंच गए कि अगर हमें निजात तुम दिलवा दो तो हम तुम्हारी बात मान लेंगे और तुम्हारे साथ बनी इसराइल को जाने देंगे। फलम्मा कशफ, और जब हम उनकी उस तकलीफ को रफा कर देते थे कुछ एक वक्त के बाद, उस वक्त तक तो होना ही था उसको, तो उसके बाद वो अपने वादे से फिर जाते थे। फंतकमना मिनहुम, तो हमने उनसे इंतकाम लिया आखिरी। फअग़रकनाहुम फिल यम, और हमने उनको गर्क कर दिया, पूरा फिरौन उसका लाओ लश्कर और उसका पूरा जो है वो फौज उसकी पूरी गर्क हुई है। मैं अन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना, बसबब इसके कि उन्होंने हमारी आयात को झुटलाया। वह कानू अनहा गाफिलीन, और उनसे गफलत और तगाफुल बरतते रहे। वह और असमल कौम लजीन कानू युस्तगाफूल, और हमने वारिस बना दिया उस कौम को कि जिसको दबाया हुआ था, गुलाम बनाया हुआ था, जकड़ा हुआ था, उनसे जबरी मुशक्कत ले रहे थे, उस कौम को हमने वारिस बना दिया। मशारक अल-अर्द व मगारिब अल-लती बारकना फीहा, उस सरजमीन की मशरिक और मगरिब का कि जिसको हमने बाबरकत बनाया है। ये बाबरकत सरजमीन कुरान मजीद की इस्तिलाह के मुताबिक फिलिस्तीन की है। फिलिस्तीन के बारे में जो मेराज वाली आयत आती है सूरह बनी इसराइल की पहली आयत, सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, तो ये मस्जिद अक्सा जहां है यरूशलम, इसके इर्द गिर्द को अल्लाह ने मुबारक करार दिया। उसकी वजह क्या है, सैकड़ों अंबिया यहां दफन है, हजरत इब्राहिम अल खलील हजरत इब्राहिम वहां दफन है, और बनी इसराइल की जो है 1400 बरस की तारीख एक्सोडस के बाद, अब जब मिस्र से ये निकलकर आएंगे जो हम पढ़ चुके हैं, फिर इन्हें किताब भी दी गई, फिर ये कि ये एक उम्मत का की हैसियत इन्हें हासिल हुई, तो उसके बाद जो 1400 बरस तक नबी आते रहे सब वहीं पर थे, तो ये माहौल, और फिर यह कि बहुत सरखेज इलाका था ये जो कहलाता है फर्टाइल क्रिसेंट ऑफ द मिडल ईस्ट, तो फर्टाइल क्रिसेंट ऑफ द मिडल ईस्ट के अंदर यह इलाका भी शामिल है। तो हमने वारिस बना दिया उनको कि जो उस तरीके से
वहां पिसे हुए थे, दबे हुए थे, जिन्हें जो है सख्त जो है प्रोसिक्यूशन और टॉर्चर का सामना था, हमने उनको वारिस बना दिया उस सरजमीन के मशरिक और मगरिब का कि जो बाबरकत है। वह तम्मत कलिमत रब्बिकल हुस्ना अला बनी इसराइल, और बनी इसराइल के हक में ए नबी आपके परवरदिगार की वो बात पूरी हो गई, वो अच्छी बात पूरी हो गई। बेमा सबरू, बसबब इसके कि उन्होंने सब्र से काम लिया, झेला, बर्दाश्त किया, कायम रहे, अपनी एक आइडेंटिटी को बरकरार रखा, अपनी रिवायात को बरकरार रखा, इसमें कोई शक नहीं है, तो तौहीद पर कायम रहे, सब कुछ हुआ वहां पर लेकिन तौहीद पर कायम रहे। वह दम्मरना माकाना यसना फिरौन व कौमहु, और हमने तबाह कर दिया जो कुछ के बनाया था फिरौन ने और उसकी कौम ने, उनके महल थे, उनके बड़ी बड़ी हवेलियां थी, वो सब की सब जो है तबाह बर्बाद हुई। वह माकानू यारशून, और जो वो ऊंचे कर करके जो है वो महल बनाते थे, उन सबको हमने हलाक कर दिया। ये गोया के दास्तान हुई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की। अब इससे आगे बनी इसराइल की तारीफ शुरू हो रही है, इसलिए कि अब उम्मत की हैसियत उसे इख्तियार करनी है, लेकिन यहीं से वो जो है फर्द जुर्म कि जो सूरह बकरा में हम पढ़ आए हैं, उसी के आपको यहां पर बहुत से हवाले मिलेंगे। वह जामजना में बनी इसराइल बाहर, और हमने पार उतार दिया समंदर से बनी इसराइल को, वो जो जब निकल रहे थे रातों रात निकले हैं, पीछे फिरौन आया है ताकुब में, आगे समंदर आ गया, समंदर का कौन सा हिस्सा था इसमें इख्तलाफ है। एक तो यह कि ये रेड सी वो क्रॉस किया है, एक ख्याल ये है कि वो जो खलीज, एक तो खलीज अकबा है, खलीज स्वेस जो एक हॉर्न सा निकलता है ऊपर जाकर, रेड सी जो है बहरे अहमर, ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, दरमियान में सीनाई पेनिनसुला है, जजीरा नुमा सीना, इधर वो जो है खलीज अकबा है, इधर खलीज स्वेस है, तो हो सकता है खलीज स्वेस को क्रॉस किया हो। और एक राय यह है कि खलीज अकबा और ऊपर से ये मेडिटेरियन जो है बहरा रूम, इसके दरमियान झीलें थी बहुत बड़ी बड़ी, दरमियान में फिर खुश्की आ जाती थी, झीलें, इन्हीं झीलों को आपस में मिलाकर नहर स्वेज बनाई गई है, यानी झीलों के दरमियान जो खुश्की थी उसे खोदकर और झीलों को मिलाते चले गए, और वो आकर खलीज स्वेज के साथ मिला दिया गया, तो ये नहर स्वेज बनी है। जाहिर बात है उस वक्त तो नहर स्वेज मौजूद नहीं थी, तो या तो किसी बहुत बड़ी झील को क्रॉस किया है, या जो है रेड सी उसको क्रॉस किया है, या ये कि खलीज स्वेज जो है उसको, वल्लाहु आलम। लेकिन उससे जब ये आशा पड़ा है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पानी पर, वो फट गया, रास्ता बन गया, वो निकल गए। फिर जब फिरौन का आया और उसने लाओ लश्कर को लेकर उसी रास्ते पर चलने लगा, फिर वो दोनों जो थे समंदर के हिस्से वो मिल गए और वो गर्क हो गए। वह जामजना में बनी इसराइल बाहर अफाता अला कौमी या कफून अला असनामिल लहुम, जब हमने पार उतार दिया बनी इसराइल को समंदर से, तो उनका गुजर हुआ एक ऐसी कौम पर कि जो अपने बुतों का मुराकबा करते थे, या को एतकाफ करना, ध्यान जिसको कहते हैं, ज्ञान ध्यान हिंदू हिंदी में, तो ध्यान लगाना बैठकर बुत के सामने, वो मुराकबा करते थे। कालू या मूसा जाल लना इलाह कमा लहुम आलिहा, कुछ लोगों ने उनमें से ये कहा है मूसा हमें भी कोई ऐसा बुत तराश दें आप, ताकि हम भी इनकी तरह बैठे ध्यान करें कुछ, क्योंकि वो जो इकबाल ने कहा है कि खूब करे पै करे महसूस थी इंसान की नजर, मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर, तो एक अनदेखे इनविजिबल खुदा की इबादत मुश्किल है, लेकिन कोई तसव्वुर हो सामने तो फिर यह है कि तवज्जो जो है वो जम जाती है। ये राधा कृष्णन ने, जो कि एक जमाने में हिंदुस्तान के सदर भी रहे, वो बहुत बड़े फलसफी थे, वो बहुत बड़े फलसफी थे, उन्होंने बुत परस्ती का यह फलसफा बयान किया है कि दर हकीकत बुतों को हम माबूद नहीं समझते, बुतों को कुछ नहीं समझते, ये तो सिर्फ दर हकीकत तवज्जो के इर्तिकाज के लिए हमने मुअय्यन कर लिया है, वरना इनके हवाले से जो असल डियटीज हैं, जो असल उलूहियतें हैं, उनके साथ हम राब्ता कायम करते हैं, लेकिन सिर्फ इनको एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपनी तवज्जो को मरकूज करने का। काला इन्नकुम कौमुन तजहलून, हजरत मूसा ने फरमाया तुम बड़ी जहालत का मामला कर रहे हो, क्या क्या अल्लाह ताला ने तुम्हें निजात दी है और अल्लाह ताला ने तुम्हें तौहीद से नवाजा है, इन हाउलाए मुतब्बर मा हुम फी है, ये जो कुछ कर रहे हैं इसमें इनके लिए हलाकत ही हलाकत है, वह बातिल मा कानू यामलून, और जो कुछ ये कर रहे हैं वो बातिल है। काला गैर अल्लाह अब्जीकुम इलाहुन व हुवा फद्दलकुम अलल आलमीन, हजरत मूसा ने कहा सोचो मैं तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई और माबूद गढ़ दूं, जबकि अल्लाह ने तो तुम्हें तमाम जहान वालों के ऊपर फजीलत दी है। ये सूरह बकरा में जो दो मरतबा आया था वो यहां भी है, तीसरा नंबर नोट कर लीजिए, या बनी इसराइल अस्कुरु निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। सूरह बकरा के छठे रुकू की पहली आयत भी यही है, पंद्रह रुकू की पहली आयत भी यही है।
वही जंजैना को मिन आले फिरौन, और जरा याद करो ए बनी इसराइल जबकि हमने तुम्हें निजात दी आले फिरौन से, फिरौन की कौम से, यसूमू लकुम सूअल अज़ाब, वो तुम्हें बदतरीन अजाब में मुब्तला किए हुए थे, युकत्तलून अबनाकुम तुम्हारे बेटों को कत्ल कर डालते थे, व यस्तहयून निसाकुम तुम्हारी औरतों को जिंदा रखते थे, वफी ज़ालिकुम बलाउन मिन रब्बिकुम अज़ीम, और इसमें कोई शक नहीं कि इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी। वबादला मूसा सलासीन लैलतन वअतममनाहा बिअश्रिन, यह वाकया भी आ चुका है पहले कि हजरत मूसा को फिर कोहे तूर पर अल्लाह ताला ने तलब फरमाया, और वो पहले इब्तदा जो है वो हमने 30 रातों के लिए 30 दिन के लिए बुलाया था, लेकिन फिर उसमें इजाफा कर दिया हमने 10 का। फतम्मा मीकातु रब्बिही 40 लैला, इस तरह तेरे रब का वो मुअय्यन वक्त 40 रात पूरा हो गया। यहां से हमारे सूफिया ने चिल्ला कशी निकाली, चिल्ला 40 दिन का, कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 30 दिन के लिए बुलाया, 10 दिन और ऐड करके, फतम्मत मीकातु रब्बिही 40 लैला, अगर 40 दिन रात को इंसान मुसलसल रोजे भी रखे और तन्हाई में रहे, अल्लाह को याद करे, तो उससे यह है कि उसका तस्किया और उसके अंदर से आलाइशें जो है रूहानी जो और नफ्सियाती आलाइशें हैं उनके पाक होने की सूरत हो जाएगी। ये चिल्ला कशी होती है। वकाला मूसा ने अखीर हारून अखलुफनी फी कौमी, और हजरत मूसा ने कहा अपने भाई हारून से कि आप मेरे खिलाफत का यानी मेरे पीछे नियाबत का फर्ज अदा कीजिए अब मेरी कौम में, जब वो जा रहे थे कोहे तूर पर। वह असले वला तब सबील मुफसदीन, और देखिए इसलाह कीजिएगा और मुफसदों के रास्ते में पैरवी न कीजिए। वलम्मा जा मूसा ने मीकातना वकल्लमहू रब्बहू, और जब मूसा आए हमारे उस वक्त मुअय्यन पर जो हमने उनके लिए तय कर दिया था, और उनके रब ने उनसे फिर कलाम किया, पहले भी कलाम हो चुका था जबकि उन्हें नबूवत दी गई थी, अब यह बारे दिगर अल्लाह से मुखातबा हो रहा है, मुकालबा हो रहा है। काल रब्बे अरेनी अंजुर इलैक, हजरत मूसा ने अब यह दरख्वास्त दायर कर दी, परवरदिगार मुझे दीदार भी अता फरमा दे, यानी गुफ्तगू तो हो रही है लेकिन पसे पर्दा हो रही है, क्या कयामत है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साथ छुटते भी नहीं सामने आते भी नहीं, बात भी हो रही है लेकिन पर्दे से पीछे, तो वो शौक जो है उनका भड़का, रब्बे अरेनी अंजुर इलैक, परवरदिगार मुझे दीदार अता फरमा मैं तुझे देख सकूं। قال لن تراني, फरमाया तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते, ولكن انظر الى الجبل, लेकिन वो सामने के पहाड़ पर निगाह जमाओ, فإن استقر مكانه فسوف تراني, अगर वो अपने मकाम पर जमा रह जाए, हम अपनी एक तजल्ली उस पर डालेंगे, अगर वो हमारी तजल्ली को झेल जाए, فسوف تراني, तो तुम भी समझना कि हमें देख सकोगे। فلما تجلى ربه للجبل, तो जब उनके रब ने हजरत मूसा के रब ने तजल्ली डाली अपनी उस पहाड़ पर, जालहु दक्तन वखर मूसा सायका, वो पहाड़ रेजा रेजा हो गया, दब गया, फट गया, बैठ गया, और मूसा बिल वास्ता मुशाहदा जो तजल्ली का हो रहा है, तजल्ली बराए रास्त मूसा पर नहीं है, तजल्ली पहाड़ पर है, और बिल वास्ता हजरत मूसा उसका मुशाहदा कर रहे हैं, उसका भी असर यह हुआ है, वह खर्र मूसा सायका, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए। फलम्मा अफाका, फिर जब वो उनको इफाका हुआ, होश में आए, काला सुबहानका, अब उन्होंने कहा परवरदिगार तू पाक है, तुम तो ही रहका, मैं तेरी जनाब में तौबा करता हूं कि मैंने जो इतना बड़ा मुतालबा कर दिया था, अपने हद से बहुत तजावुज में कर बैठा था, तुम तो इलाय कवान अव्वलुल मोमिनीन, और मैं तो सबसे पहला ईमान लाने वाला तुझ पर मैं खुद हूं। काला या मूसा, अल्लाह ने फरमाया है मूसा, इन्नी इस्तफ़ैतु कालन्नास बिरिसालाती व बिकलामी, देखो मैंने तुम्हें तमाम इंसानों पर फजीलत दी है और तुम्हें चुन लिया है, पसंद कर लिया है अपनी रिसालत के लिए और अपने कलाम के लिए, मेरे पैगाम तुम्हें दुनिया तक पहुंचाने हैं, और तुम्हारे साथ मेरा ही मुकालमा हुआ है, वह कल्लमल मूसा तकलीमा, यह हम पढ़ चुके हैं सूरह निसा में, मूसा से तो अल्लाह ने बात की जैसे बात की जाती है बराह रास्त। फखुद मा आतैतुका वकुन मिन शाकिरीन, तो अब जो चीज मैं दे रहा हूं इसे मजबूती से थाम लो और उसकी कदर करो, शुक्र करने वालों में से बन जाओ। वह कतबना लहू फिल अलवाह, और हमने पत्थर की तख्तियों पर उसके लिए लिख दी, मिन कुल शैइन मौइज़तन, हर मामले में नसीहत की बात, वही टेन कमांडमेंट्स, जो तमदनी मामलात है, जो इंसानी इनफरादी किरदार है, लेन देन के मामलात हैं, चोरी नहीं करनी है, डाका नहीं डालना है, जिना नहीं करना है, वगैरह वगैरह, वो 10 टेन कमांडमेंट्स मशहूर, वो हमने लिख दिए, वो तफसील ले कुल शय, और हर चीज कुल शय ही मुराद ये तो नहीं कि कुल साइंस आ गई उसमें या तो नहीं, बल्कि ये कि इंसान की अखलाकी हिदायत और रहनुमाई के लिए जो जो कुछ जरूरी था वो हमने उसमें लिख दिया।
खुद हाब कुत, अब पकड़ो इसको मजबूती के साथ, थामो इसे मजबूती के साथ। वामुर कौम का या खुजू बे अहसन हा, और अपनी कौम को हुक्म दो कि वो इसको इसके बेहतरीन पहलुओं को इख्तियार करें। यानी दीन के अंदर भी कुछ रुख्सतें भी होती हैं, कुछ अजीमतें भी होती हैं। अगर फर्ज कीजिए कि कोई शय नहीं है हलाल चीज खाने के लिए, तो रुख्सत है कि आप हराम खाकर जान बचा लें, लेकिन कोई शख्स कर सकता है कि हराम नहीं खाऊंगा जान दे दें, यह उसकी अजीमत होगी। नूरुद्दीन जंगी के बेटे ने यह काम किया था, सलाहुद्दीन अयूबी के जो असल थे, जो जिनके फिर जानशीन सलाहुद्दीन अयूबी हुए, नूरुद्दीन जंगी, उनका वली अहद बीमार हुआ, तमाम इलाज नाकाम हो गए। अतिम्बा ने यह कहा कि हमारा इत्तेफाक है इस पर कि अगर शराब पियेंगे तो कुछ इरफाका हो जाएगा, बेहतरी हो जाएगी। हराम है, कैसे इस्तेमाल करूं? फतवा ला दिया गया, हनफी फतवा आ गया, मालिकी आ गया, शाफी आ गया, हम्बलिया, चारों के फतवे आ गए कि जायज है। चारों को बुला लिया, अगर अल्लाह ताला मुझे शिफा देना चाहे तो इस शराब का मोहताज है, इसके बगैर शिफा नहीं दे सकता। नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं, और अगर मेरी मौत का वक्त आ ही गया है तो शराब मुझे बचा देगी कि नहीं? नहीं नहीं, तो ले जाओ, दफा हो जाओ, अपने ये फतवे उठाओ और चलते बनो यहां से। उसने जान दे दी लेकिन शराब इस्तेमाल नहीं की। और ये शहजादा वली अहद था। ये लोग जो है मुसलमानों में, बादशाहों में भी बहुत ऊंची ऊंची शख्सियतें पैदा हुई, अगर से बुरे भी हुए, हर तरह के हुए हैं, लेकिन ये कि वाकईतन औरंगजेब आलमगीर जैसा और नूरुद्दीन जंगी जैसे और सलाहुद्दीन अयूबी जैसे बादशाह भी तो इस्लाम में हुए। कौम या खुदू में अहसन है, जो बेहतर से बेहतर है उसको इख्तियार करें। सऊरी कुम दारुल फासिकीन, अब मैं करीब तुम्हें दिखा दूंगा फासिकों का घर। वो फासिकों के घर से मुराद क्या? फिलिस्तीन, जिस पर उस वक्त मुशरिकीन का कब्जा था। जब ये बनी इसराइल फिलिस्तीन से छोड़कर चले गए थे तो जाहिर बात है कि खाना खाली रहा जो भी गिरन, वो खाना खाली जो है उसको, जो वो अमालका आसपास आबाद थे शाम में सीरिया में, वो आए वहां पर कब्जा कर लिया। अब वो फिस्क और फुज्र का अड्डा बना हुआ था, जैसे वो घर जो हजरत इब्राहिम ने तौहीद के लिए बनाया था, कुरैश ने उसे दुनिया का वो जो पहला वो घर खुदा का, हम उसके पास बाह हैं, वो पास बाह हमारा, लेकिन वो क्या बन गया था? दुनिया का मुतकला बन गया था, बहुत बड़ा, दुनिया के मुतकलों में पहला वो घर खुदा का। सऊरी कुम दार फासिकीन असरफ और आयात नदीन ये तकबरू रफी लर्द बगैर हक, मैं अपनी आयात से रुख फेरे रखूंगा उन लोगों का जो जमीन में तकबर करते हैं ना हक। जो तकबर करेगा वो मेरी आयात से इस्तेफादा कर ही नहीं सकेगा। वही यराव कुल आयत लाइन बने, वो सारी निशानियां भी देख लेंगे तो ईमान नहीं लाएंगे। वही यराव सबील रुश्द लायत तखिजू सबीला, और अगर वो कामयाबी और हिदायत का रास्ता देखेंगे उसे अपना रास्ता नहीं बनाएंगे, इख्तियार नहीं करेंगे। वही यराव सबील गई तखिजू सबीला, और अगर टेढ़ा रास्ता भी उनके सामने आएगा उसे इख्तियार कर लेंगे। जाले कभी अन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना ना, ये इस बिना पर कि उन्होंने हमारी आयात को झुठलाया। वह कानू अन्हा गाफिलीन, और वो उससे गाफिल रहे। वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना ना वलिक़ाइल आखिरत, और जो लोग हमारी आयात को झुठलाएंगे और आखिरत की मुलाकात का इनकार करेंगे, हमें तता मालूम, उनके सारे अमाल हब्त हो जाएंगे। हल युजज़ौन इल्ला मा कानू यअमलून, और उन्हें बदला मिलेगा उसी का जो वो कर रहे थे। अमाल जो करके लाए थे करतूत, बदला उन्हीं का मिलेगा। वत्तखज़ा कौम मूसा मिन बादिही मिन हुलीहिम इजलन जसदन लहू ख्वार, ये दूसरी जो है गलत हरकत जो की थी। जब हजरत मूसा गए हुए थे कोहे तूर पर, 40 दिन का वक्फा हुआ, तो वहां पर सामरी नामी एक शख्स ने गुमराह कर दिया इस कौम को, और जो जेवरात वगैरह थे इनके पास उनको पिघलाकर एक बछड़े किसी शक्ल बनाई, और उसको कुछ ऐसा बनाया कि वो खोखला भी था कि हवा चलती थी तो उसमें से ऐसे आवाज आती थी जैसे कि डकार रहा हो ये जो बछड़ा है, और कहा ये तुम्हारा रब है, और उसकी परस्तिश बहुत से लोगों ने शुरू कर दी थी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए हैं वापस, फलम्मा रजा मूसा इला कौमी गज़बान आसिफा, जब वो लौट कर आए हैं तो उनकी कैफियत गुस्से में इंतहाई और अफसोस रंज के अंदर भरे हुए थे। काल बेसमा खलफ तुमूनी मिम्बादी, उन्होंने कहा क्योंकि हजरत हारून को खलीफा बनाकर गए थे अपने पीछे, तो हजरत हारून को पकड़ा उन्होंने कि मेरी बात मेरी खिलाफत तुमने बहुत बुरी की है, उसका हक मैं अदा नहीं किया। आजिल तो रबिकुम वालकल अलवाह, और वो जो लेकर आए थे वो तख्ती जो तख्तियां थी पत्थर की वो तो एक तरफ डाल दी। वह अखजा बिरा से अखी है यदि बूह ले, और अपने भाई हारून का सर पकड़कर और बालों से उनको अपनी तरफ खींचा, यानी सख्त तादीब जिसको कहा जाए। कालम न उम्मा इन्नल कौम अस्तज़ाफूनी, ये पूरा वाकया सूरह ताहा में तफसील से आएगा, यहां मैं इसीलिए जल्दी से गुजर रहा हूं। उनका मेरे मां जाए, यबना उम्मा,
ये मां के हवाले से अपील कर रहे हैं, ए मेरे मां के बेटे, ए मेरे मां जाए, इन्नल कौम उस्तज़अफूनी, इस कौम ने मुझे दबा लिया था, वकादू यक्तुलून नहीं, मैं तो इन्हें रोकता रहा लेकिन ये मेरे कत्ल पर तुल गए थे, फला तुश्मित भी अलादा, तो अब आप भी मुझी को मौरूद इल्जाम ठहरा रहे हैं, तो देखिए ये दुश्मन जो है हंसेंगे, तो ये शमातुत आदा का सामान पैदा न कीजिए। इस ये तो बहुत बड़ा जो जुर्म हुआ है, तो इसके बारे में एक बात तो हम सूरह बकरा में पढ़ाए हैं कि फिर तय ये किया गया कि ये जो 12 कबीले हैं, हर कबीले में से जिन लोगों ने ये गौशाला परस्ती का जुर्म किया है उसी कबीले के लोग अपने हाथों से उनको कत्ल करें। कबायली जिंदगी में किसी और कबीले के लोग कत्ल करें तो उसकी कुछ और कैफियत हो जाती है। तो वहां आया था फक्तलू अनफुसकुम लालकुम खैरुल्लकुम इन द बारेकुम फताब अलैकुम, कत्ल करो अपने आप को, अपने लोगों को जिन्होंने ये जुर्म किया है। तो ये जो कत्ल किए गए वो लोग, उसके बाद इज्तिमाई तौबा के लिए अब हजरत मूसा 70 अपनी कौम के 70 लोगों को फिर पहुंचे हैं कोहे तूर पर। वख्तार मूसा कौमहू 70 रजुलन लिमीकातना, फिर हमने एक वक्त मुकर्र किया और हजरत मूसा ने 70 अफराद अपनी कौम के सरकर्दा 12 कबीलों के चुन लिए, लेकर आए वफद की शक्ल में। फलम्मा आखज़ा थुमुल रज्फा, जब आए हैं तूर पर तो उन पर एक जलजला सा आया उनको, उनके दिल में दिक्कत पैदा करने के लिए। काला रब्बी लौशीत अहलकता हूं, तो हजरत मूसा ने यह अर्ज किया परवरदिगार अगर हमें हलाक ही करना था तो इससे पहले भी तू हलाक कर सकता था, मिन कब्ल वैया, इनको भी और मुझे भी, अतुहले कुला बिमा फाल सुफहा बिन्ना, क्या तू हम सबको हलाक कर देना चाहता है जो हमारे बेवकूफों ने कुछ हरकत की, गलत काम किया, उन्होंने गौशाला परस्ती की, उन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया, वो हमारे यहां के अहमक नादान लोग थे, अतुहले कुला बिमा फाल सुफहा बिन्ना इन ही अल्लाह फितना, तो परवरदिगार ये तो तेरी तरफ से आजमाइश है, तो दिल बिहा मंतशा, क्यों गुमराह करता है उसके जरिए अपनी आजमाइश के जरिए जिसको चाहता है, वह ताहदी मंतशा, और उसी आजमाइश के जरिए से जिसको चाहता हिदायत देता है। अंता वलीना फक्फिर लना वरहमना, तो हमारा वली है, पुष्पना है, मददगार है, बस हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा, वह अंता खैरुल गाफिरीन, और तू यकीनन बख्शने वाला है बहुत अच्छा। वक्तुम लना फी हाज़िही दुनिया हसना, हमारे लिए तो इस दुनिया में भी भलाई का फैसला कर दे, वफिल आखिरत, आखिरत में भी भलाई, इन्ना हुदना इलैक, हम तेरी जनाब में रुजू करते हैं। ये हादा यहूदों से एक ख्याल है कि यहूद का लफ्ज बाद में बना है, एक तो राय यह है कि जो 12 बेटे थे हजरत याकूब के उनमें यहूदा नाम था एक का जो शायद सबसे बड़े थे, तो उनके नाम से ये यहूदी मौसूम हुए, और एक ये है कि इन्ना हुदना इलैक, हादा यहूदों से, हम तेरी जनाब में तौबा करते हैं, तो गोया कि तवाबीन जिस तरीके से हम कहते हैं तो उसी तरीके से फिर ये हादा यहूदों से यहूदी बन गया। वल्लाहु आलम। अब जो आ रहा है जिक्र आ रहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो इनसे अहद लिया गया। काला आजादी उसी में बही बनशा, अल्लाह ताला ने फरमाया हजरत मूसा की दुआ आपने सुन ली, बड़ी लजाजत से जो दुआ की है अपने लिए और कौम बनी इसराइल के लिए, अल्लाह ने जवाब दिया काला अजाबी उसी में भी मन नशा, जहां तक मेरे अजाब का ताल्लुक है मैं वो वारिद करूंगा जिस पर चाहूंगा, व रहमती वसियत कुल लशे, जहां तक मेरी रहमत का ताल्लुक है हर शय के साथ शामिल हाल है, हर शय का वजूद ही मेरी रहमत के तुफैल है। फसा अक्तुबो हाल नजीर यकून, हां मैं इस रहमत का, खास जो रहमत है मेरी वो मैं लिख दूंगा, तय कर दूंगा, मुअय्यन कर दूंगा उन लोगों के लिए, अल्लज़ीन यत्तकून, जो तकवा के लिए उस इख्तियार करेंगे, वयूतून ज़कात, और ज़कात अदा करेंगे, वल्लज़ीन हुम बिआयातिना युमिनून, और जो हमारी आयात पर ईमान रखते रहेंगे, अल्लज़ीन यत्तबिऊन रसूल नबी उम्मीय लज़ी यजदूनहु मक्तूबन इन्दहुम फित तौरात वल इंजील, वो लोग के जो इत्तबा करेंगे हमारे रसूल नबी उम्मी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको वो पाएंगे लिखा हुआ, जिसके बारे में पेशेंगोरियां वो मौजूद पाएंगे मकतूब लिखी हुई, इन दहुम अपने पास, फिर तौरात और इंजील, तौरात में भी और इंजील में भी, या मुरहुम बिल मारूफ, ये बहुत अजीम आए थे इस एतबार से कि हुजूर के जो अफाल हैं उनको यहां बड़े मुख्तसर अल्फाज में जामियत से बयान किया गया है कि जब वो मेरे रसूल नबी उम्मी आएंगे तो क्या करेंगे, ये सुनो, या मुरहुम बिल मारूफ व यनहाहु अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देंगे बदी से रोकेंगे, बयुहिल्लु लहुम अत्तय्यिबात, तमाम पाकीजा चीजें उनके लिए हलाल ठहराएंगे, वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, तमाम गंदी चीजें उन पर हराम करार दे देंगे, वयज़ऊ अन्हुम इस्रहुम वल अग़लाल लती कानत अलैहिम, और उन पर से उतार देंगे उनके बोझ
और वो जो उनके गलों के अंदर जो है तौक पड़े हुए होंगे जो उनके ऊपर, यानी यह कि मुख्तलिफ जो भी लोगों ने रसूमात के तौक पहन लिए, जैसे हमारे यहां है अब शादी की कैसी कैसी रसूमात मना ली गई है, अब ये तौक है इसलिए कि जब तक इनको पूरा ना किया जाए शादी नहीं हो सकती, हलाल से नहीं हो सकता हराम से कीजिए, कोई चीज बेचिए कुछ कीजिए, बहरहाल ये कि उस तरह की चीजें तकरीबा तो करनी पड़ेगी। ये सब क्या है, इसरो अगलाल है। इसी तरह दीन के अंदर नई नई बिदात पैदा करके अपने लिए बोझ जो कि अल्लाह ने आप पर नहीं डाला, तो वो आएंगे तो नेकी का हुक्म देंगे, बदी से रोकेंगे, तमाम पाकीजा चीजों को हलाल करार देंगे, तमाम गंदी चीजों को हराम करार देंगे, और लोगों पर जो भी बोझ होंगे और इस और अगलाल होंगे उनसे उन्हें निजात दिलाएंगे। फल्लज़ीन आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबऊ नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। तो जो लोग उन पर ईमान लाएंगे नंबर एक, और उनकी ताजीम करेंगे नंबर दो, और उनकी नुसरत करेंगे मदद करेंगे उनकी नंबर तीन, और पैरवी करेंगे उस नूर की जो उनके साथ नाजिल किया जाएगा, तो वही लोग होंगे फलाह पाने वाले। इस छोटे से टुकड़े पर इस आयत के मेरी एक किताब है कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे ताल्लुक की बुनियादें, ये है आयत के जिसकी रूह से हमें हुजूर पर ईमान का तकाजा पूरा करना है, आपकी ताजीम, आपकी इज्जत, आपका एहतराम, आपका अदब। फिर नंबर तीन नुसरत, नुसरत किस बात की, नुसरत कूनी अंसार अल्लाह किस लिए, जिस मिशन का उनके ऊपर बोझ डाला गया है उसमें उनका हाथ बटाना, अल्लाह का दीन गालिब करने के लिए भेजे गए उसके लिए अपना तन मन धन लगा देना, अगर ये कर रहे हैं तो नुसरत है मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हुजूर का मिशन अब भी जिंदा है, दीन मगलूब है, कहीं गालिब नहीं, और हुजूर को भेजा गया इस दीन हक को गालिब करने के लिए, और इस दीन को गालिब करना है पूर्ण रूह अर्जी पर, इसलिए कि हुजूर की बेसत है पूरी नौ इंसानी के लिए। तो जो लोग हुजूर के इस मिशन के लिए अपने आप को वक्फ करेंगे, और इसका रास्ता क्या होगा, व तबूर माह, ये सारा रास्ता इस कुरान के जरिए से आएगा, कुरान के जरिए से दावत होगी, तस्कीर होगी, इंजार होगा, सूरह नाम में सब पढ़ चुके हैं, तस्कीर इसी के जरिए करो, इंजार इसी के जरिए करो, तबशीर इसी के जरिए से करो, तबलीग इसी की करो, इससे लोगों को बदलो, जो लोग बदल जाए उन्हें जमा करो, मुनज़्ज़म करो, कोड़ा बनाओ, और वो कोड़ा बाकी के ऊपर दे मारो। ये मिनहाज मोहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बादशाह दरवेशी दरसाज दमादम जंग चू पुख्ता शरी खुदरा बरसल तलत जम जंग। 12 बरस तक दरवेशी दरवेशी थी, दावत है, तबलीग है, तस्कीर है, नसीहत है, अगर कोई लोग गालियां दे रहे हैं तो इधर से दुआएं दी जा रही हैं, कोई पत्थर मार रहा है तो फूल पेश किए जा रहे हैं, कोई प्रोसिक्यूशन हो रही है तो कोई जवाबी कार्रवाई नहीं है, सब दरवेशी। लेकिन जब तैयार हो गए, एक ताकत वजूद में आ गई, एक उम्मत वजूद में आ गई कि जो तन मन धन लगाने के लिए तैयार थी, फिर उसने हाथ में तलवार पकड़ी, तू पुख्ता शरी खुदरा बर सल्तनत जब जंग, जब तैयार हो जाओ, पुख्ता हो जाओ, तो अपने आप को सल्तनत जम पर दे मारो, ताकि उसका भेजा निकाल दे। कुरान मजीद में जगह हम पढ़ेंगे, बल नमरम बिल हक अलल बातिल फैद बहू फैदा हुआ जाहिक, हम हक का कोड़ा बातिल के सर पर मारते हैं जो उसका भेजा निकाल देता है। सतीजा कार रहा है अजल से ताइम रोज, चिराग मुस्तफ़वी से शरार बुलाबी, ये पूरी दास्तान है जो चल रही है। तो ये अल्फाज आप याद करके उठे और अल्लाह तौफीक दे तो वो किताब चाह पढ़िए। फल्लज़ीना आमनू बिही, तो जो लोग उन पर ईमान लाएंगे, वह अज़रू हो उनकी ताजीम करेंगे, वह नसरू हो उनकी मदद करेंगे, वह तबाउ नूर नजीर जिला माहू और उस नूर की पैरवी करेंगे जो उनके साथ नाजिल किया जाएगा यह कुरान मजीद, फौलाए कहुमुल मुफ्लिहून, तो वो होंगे फलाह पाने वाले। अल्लाहुम्मा रब्बना जालना मिनहुम, अल्लाहुम्मा रब्बना जालना मिनहुम, अल्लाहुम्मा रब्बना जालना मिनहुम। अब यह गोया के बाद अचानक यह जिक्र आ गया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उस दुआ के जवाब में अल्लाह ने यह फरमाया था। अब समझिए कि मामला 2000 बरस का फसल तय करके फौरन अल्लाह ताला अब हुजूर से खिताब करके फरमा रहे हैं, कुल ऐ नबी कह दीजिए, या अय्युहन्नास ऐ लोगो, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, मैं अल्लाह का रसूल हूं तुम सब की तरफ, पूरी नौ इंसानी की तरफ। अल्लज़ीना हुम मुल्कु समावाति वल अर्द, उस अल्लाह का मैं रसूल हूं जिसके लिए बादशाही है आसमानों की भी और जमीन की भी। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहुवा युहयी व युमीत, उसके सिवा कोई माबूद नहीं।
वही जिंदा रखता है, वही मारता है। फआमिनु बिल्लाह है, तो ईमान लाओ अल्लाह पर, व रसूल हिम नबील उम्मी, और उसके उस रसूल नबी उम्मी पर। अपने बारे में ये बात हुजूर से कहलवाई जा रही है। अब आप कहिए कि वो जो मूसा ने से अल्लाह ने कहा था वो मैं आ गया हूं, मैं मौजूद हूं। फआमिनु बिल्लाह व रसूल हिम नबील उम्मी नजीर बिल्लाह व कल बात ही, वो रसूल वो नबी उम्मीद जो अल्लाह की कलिमात पर और अल्लाह पर ईमान रखता है, वह तबीह है उसकी पैरवी करो, लाल नकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पाओ। अब इसके बाद बनी इसराइल की तारीखी के कुछ और वाकयात भी हैं जो सूरह बकरा में भी आ चुके हैं, मैं इनको जरा छोड़ रहा हूं। लेकिन एक उनकी दास्तान का वाकया, बनी इसराइल का एक कबीला ये जो ईलात की बंदरगाह है इसके आसपास आबाद था, और इनकी शरीयत में हफ्ते के दिन कोई दुनियावी कारोबार करना हराम मुतलक था, जो हमें सब्त। लेकिन यह कि इनको अल्लाह ने आजमाया, इनका पेशा था माहीगीरी, मछलियां पकड़ना। मछलियों को भी अल्लाह ताला ने कुछ हिस दे रखी है, शऊर दे रखा है, हैवानात में भी उन्हें अंदाजा हो गया हफ्ते का एक दिन ऐसा है जब हमें कोई कुछ नहीं कहता। वो साहिल के करीब आकर अटकेलियां करती थी, छलांगे लगाती थी पानी में, ये बेचारे देख रहे हैं, टुक टुक दीदम दम न कशीदम, हाथ तो लगा नहीं सकते कि इसलिए कि यौमे सब थे। और अगले दिन वो जाकर डीप वाटर के अंदर गायब। तो इनके लिए जो ये एक इम्तिहान आजमाइश हो गई, तो एक तो ये था कि सब्र करते और अल्लाह ताला की उस आजमाइश में पूरे उतरते। इन्होंने हीला तराशा कि हफ्ते के रोज मछलियां तो नहीं पकड़ेंगे, लेकिन बड़े बड़े गढ़े खोद लेते थे साहिल के साथ, और समंदर का पानी उन गढ़ों में ले आए, मछलियां भी आ गई, और फिर उनका जो रास्ता था समंदर से मिले वो कैनाल, उसको बंद कर दिया। ये गढ़े तालाब बन गए, इतवार को जाके पकड़ लिया, कहां जाएंगी अब तो गढ़ों में है ना। इस पर ये है कि ये कौम जो है फिर तीन हिस्सों में तकसीम हो गई। एक तो वो जो इस तरह शरीयत खुदाबंदी का गोया कि इस्तेहजा कर रही थी, ये तो तख्ते मश्क बनाना हुआ, बाजी गाह बना लिया अल्लाह के का जो है। एक वो लोग थे जो कर रहे थे, एक वो थे जो खुद कर तो नहीं रहे थे लेकिन रोक भी नहीं रहे थे, एक वो थे जो रोक भी रहे थे कि बत करो ये काम और शरीयत का सही मजाक ना बनाओ। तो अल्लाह ताला ने जब अजाब भेजा तो सिर्फ उनको बचाया, उस अजाब से मुस्तस्ना रखा जो रोक रहे थे। ये असल में इस बात की अहमियत के लिए कि अम्र बिल मारूफ और नहिल मुनकर का फरीजा किसी सूरत में तर्क नहीं करना चाहिए। वो सूरह आले इमरान के आयात जहन में ले आइए, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदउन इलल खैर व यामुरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और कुंतुम खैर उम्मतिन उखलिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर व तूमिनून बिल्लाह। वसअलहुम अनिल क़रियति अल्लती कानत हाज़िरत अल-बहर, और जरा इनसे पूछिए नबी उस बस्ती के बारे में कि जो साहिल पर आबाद थी इलात के पास, यही इज यादून फिस सब्त, जबकि वो सब्त के कानून में हफ्ते के कानून में वो हद से गुजरने लगे। इस तातीहिम हीतानहुम यौम सब्तहिम, जबकि वो जो आती थी मछलियां वो हफ्ते के दिन तो करीब आ जाती थी, शुमरान, और इस तरीके से वो अटकेलियां भी करती थी। वह यौम लाबतून लाताती, और जब सब्त नहीं होता था यानी बाकी छह दिन, तो वो वहां आती नहीं थी, वो डीप वाटर्स में चली जाती थी। कदालिक लबलूहुम बिमा कानू यफ्सुकून, इस तरह हमने उन्हें आजमाया, उनका फिस्त जो था उसके लिए एक इम्तिहान टोकन जो है रख दिया कि देखें अब ये कितने इसमें पूरे उतरते हैं। इस कालत उम्मतुन मिनहुम, अब वो जो तीन मैंने गिनाए गिरोह, उनमें से वो जो थे कि जो खुद तो मुलविस नहीं हुए इस जुर्म में लेकिन रोक भी नहीं रहे थे, दूसरे वो थे जो रोक भी रहे थे, तो ये जो रोकने वाले नहीं थे उन्होंने इन रोकने वालों से कहा। वह इस कालत उम्मतुन मिनहुम, जबकि उनके गिरोह ने कहा, ले मतऊ कौमन मोहलिकुहुम औ मुअज्जिबुहुम अज़ाबन शदीदा, क्यों तुम अपने आप को हलाक कर रहे हो वाज कह के नसीहत रोक रहे हो, उनको रोक रहे हो ऐसे लोगों को जिन पर अल्लाह का अजाब आकर रहेगा, ये बाज आने वाले नहीं है। आज भी ये होता है कि कहते हैं लोग, बाबा छोड़ो ये लोग मानने वाले नहीं है, दफा करो, तुम अपने धंधे के अंदर लगो, कब तक इनके पीछे अपने आप को हलकान करोगे। लम्बा ये तो अल्लाह इनको हलाक करके रखेगा और यह अजाब देगा शदीद। कालू माजरतला रबिकुम, वो जो रोकने वाले थे उनका कि हम अपने रब के हुजूर में तो माजरत पेश कर सकेंगे, हम ये तो कह सकेंगे परवरदिगार हम आखिरी सांस तक रोकते रहे। वह लाल नहीं तकून, और क्या पता कि उनके अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो ही जाए, तुम्हें क्या मालूम,
कभी अल्लाह किसी के दिल में बात डाल दे, किसी की जिंदगी में इंकलाब आ जाए, तब्दीली आ जाए, कोई गारंटी तुम्हारे पास नहीं है कि हरगिज किसी पर कोई असर नहीं होगा। कहां से तुम्हें यकीन हो गया है? जैसे कि हुजूर ने फरमाया था हजरत अली से, या अली अय्यादी अल्लाह बिका रजुल वाहिद खैर लक मिन हुमुन नाम, अगर तुम्हारे जरिए से अल्लाह एक इंसान को भी हिदायत दे दे तो ये तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंटों से बड़ी दौलत है। एक आदमी हिदायत तो अल्लाह देता है लेकिन तुम जरिया बन जाओ। तो क्या पता हमारे इस नहीं अनिल मुनकर के तुफैल इनमें से कोई तकवा की रविश इख्तियार कर ही ले। फलम्मा नसू माजुक के रूबे ही, तो जब उन्होंने नजरअंदाज कर दिया जो तस्कीर और नसीहत उन्हें की जा रही थी, अनजैन नजीरा यल्हौन अनिसू, तो हमने निजात दे दी उनको जो बदी से रोक रहे थे। वह असजमल नजीरा जलमू बे आजाद में बई से बिमा कानू या सुकून, और जो लोग जुल्म की और गुनाह की रविश इख्तियार किए हुए थे हमने उनको पकड़ा एक बहुत ही बुरे अजाब से उनके फिस्क की वजह से। अब यहां जलमू में दोनों आ गए, वो भी के जो हुक्म तोड़ रहे थे और वो भी के जो अपना फर्ज जो है अम्र बिल मारूफ नहीं मुल्क का वो अदा नहीं कर रहे थे, तो ये गोया कि ये एक एतबार से वो भी जुल्म में आ गए। बचे सिर्फ वो फंजाइबल नजीर यल्हौनानिसू, जो रोकते रहे थे बदी से उनको हमने निजात दी। वह अखजल नजीर जलमू बेअजाबिन बईसिन बिमा कानू यफ्सुकून, फलम्मा आता अम्बालहुन, तो जब वो बहुत ही सरकशी में आगे बढ़ गए उन चीजों से कि जिनसे उन्हें रोका गया था, कुल्ला लहुम कूनू किरदतन खासईन, तो हमने कह दिया कि अब बंदर बंदरों की शक्ल इख्तियार कर लो। उनके बस कर दिए गए चेहरे, वो बंदर बन गए, कुछ अर्से के बाद मर गए। वह इस्ताज़ रब्बुका लयमासन अलैहिम इला यौमिल क़ियामत मन यसूमहुम सूअल अज़ाब, और याद रखो जबकि आपके रब ने यह ऐलान कर दिया था कि इन लोगों पर मैं हमेशा ऐसे लोग उठाता रहूंगा जो इन्हें बदतरीन अजाब में मुबतला करेंगे। इन रब्बक लसरीउल इक़ाब व इन्नहू लगफूरुर रहीम, यकीनन आपका रब ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजा देने में भी तेज है लेकिन यह कि वह गफूरुर रहीम भी है। अहद अलस जिसका तस्करा कई मरतबा हो चुका है, अब वो वक्त आया है। वही अखज़ा रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम, याद करो जबकि आपके रब ने तमाम बनी आदम की पीठों से उनकी औलाद को निकाल लिया। वह अशहदहुम अला अनफुसिहिम, और उन्हें गवाह बनाया अपने ऊपर, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कालू बला, उनका बिल्कुल क्यों नहीं, आप हैं हमारे रब हैं, परवरदिगार हैं, मालिक हैं, शहीदना हम इस पर गवाह हैं। अन तकूलू यौमुल क़यामत इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन, मबादा तुम कहो क़यामत के दिन के हमें तो याद नहीं है कि हमने ये अहद किया था, हम तो उससे गफलत में हैं, हमारे इल्म में नहीं है, हमें याद नहीं है। और तकूलू, या तुम ये कहो, ये प्लीन हो क़यामत के दिन, इन्नमा अशरका आबाउना मिन क़ब्ल, ये शिर्क तो हमारे आबाउ अजदाद ने ईजाद कर लिया था। वह कुन्ना ज़ुर्रियतम मिन बादिहिम, हम उनकी नस्ल थे, उनकी औलाद थे, तो हमें उनके रास्ते पर चलना ही था। अफतहलकुना बिमा फ़अल मुब्तलून, तो क्या परवरदिगार तो हमें हलाक कर देगा उन लोगों के फेल की वजह से कि जिन्होंने ये गलत काम किए। व कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयात लअल्लहुम यरजिऊन, इस तरीके से हम अपनी निशानियां जो है वाजे कर देते हैं शायद के ये लौटे रुजू करें। अब देखिए जो अल्फाज आए हैं वो तो ये है कि बनी आदम की पीठों से हमने निकाल लिया। वो बनी आदम अभी कहां थे, ये गोया कि ताबीर के लिए अल्फाज हैं। तमाम अरवाह इंसानियां जो पैदा की गई, खलकनाकुम अव्वल मर्रा, जो हम पढ़ चुके हैं, पहली तखलीक हमारी आलम अरवाह में हुई, आलम अम्र में हुई, आलम अम्र में अल अरवाह जुनूद मुजन्नद, अभी जिस्म नहीं थे। जब जिस्म नहीं थे तो कोई बाप बेटे का रिश्ता भी नहीं था। बाप बेटे का रिश्ता तो ये आलम मादी में, आलम खल्क में हुआ है कि बाप के नुतफे से बेटा पैदा हो रहा है, बाप के रहम में उसने 9 महीने गुजारे हैं। ये सारे ताल्लुकात तो इस आलम खल्क के, आलम अम्र में कोई रिश्ता किसी का नहीं था। सब अरवाह जो है इंडिपेंडेंटली रिस्पॉन्सिबल टू अल्लाह सुभान व तआला। उस वक्त यह अहद लिया गया, अलस्तु बिरब्बिकुम, कालू बला। फिर हमारी नरवाह को यूं समझिए कि कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया। यह आलम अम्र का मामला है। फिर हुआ है वो बिग बैंग, जहां तक कि आज की साइंस पहुंच गई है। यह जो है आलम अम्र, यह प्रायर टू बिग बैंग है, बिग बैंग से पहले का दौर है। यह मलाइका और अरवाह इंसानियत की तखलीक, अलबत्ता उसके बाद फिर जो आज साइंस ने हमें बताया है, जिस तरह का वो धमाका हुआ है और जो पार्टिकल्स पैदा हुए हैं और ट्रिलियंस डिग्री फारेनहाइट का वो टेम्परेचर था, उसके बाद फिर वो जो उसके कुर्रे बने हैं, फिर गैलेक्सीज बनी हैं, फिर वो नारी कुर्रा ठंडा हुआ है, फिर यहां पर वो क्रस्ट बना है और यहीं से बुखारात गए हैं और बुखारात ने फिर जाकर फिजा में पानी की शक्ल इख्तियार की है, फिर बारिश हुई है, फिर ये मिट्टी और बारिश के जो आपस में तआमुल होता रहा उससे वो हयात
अर्जी का आगाज हुआ। तो ये सारा जिसको कहा जाता है कि ये है तनज्जुल, तनज्जुलात, और फिर इर्तिका का अमल शुरू हुआ, फिर आलम इंसानियत वजूद में आया, फिर आलम खल्क में बाप बेटा पोता ये सब रिश्ते जो है कायम हुए और होते रहेंगे। और हदीस में आता है कि जब एक नुतफा जो रहम मादर में जाता है, जब उसे चार महीने गुजर जाते हैं, 40-40 दिन के तीन वक्फे गिनवाए हैं, 40 दिन तक नुतफा, 40 दिन तक अलका, 40 दिन तक मुजगा, फिर अल्लाह ताला फरिश्ते को भेजता है और वो उसमें वो रूह फूंकता है, उसकी रूह जो वहां उस कोल्ड स्टोरेज से लाकर वो फरिश्ता अब इसके साथ शामिल करता है। अब ये इंसान बना, इससे पहले वो हैवानी लोथड़ा तो था लेकिन वो इंसान नहीं था जब तक कि उसकी रूह लाकर उसके साथ शामिल नहीं कर दी गई। इसका कुछ जिक्र जो है सूरह मोमिनून में भी आ जाएगा। बारक अल्लाह ली व लकुम फिल कुरान अल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्र अल हकीम।